अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उस वीडियो में कुछ लोगों के लिए वो वीडियो काम कर गई थी और कुछ लोगों के लिए वीडियो काम नहीं कर रही थी। सो यार, वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपका जो पीसी उसका लैग जो होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वो पबजी में नहीं तो काफ़ी गेमों में वो फ़र्क दिखाती है। सही है, तो ये एक जो है जो ये जो वीडियो है इसका पार्ट टू है। तो इसके अंदर भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। सही है, लेकिन इससे पहले पार्ट वन देख लो, उसका तुम्हें आई बटन पे आ रहा होगा कि तुम्हें देख लेना है उस वीडियो को। और इसके अंदर जस्ट तुम्हें सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पार्ट टू के अंदर, उससे तुम्हारी गेम जो है वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी तुम्हारी गेम और बहुत ज़्यादा लैग कम हो जाएगा। जिनके पास, खास करके जिनके पास कम रैम होती है, जैसे 4 GB रैम या 6 GB रैम, 8 GB से कम होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगी ये वीडियो। और ये जो एप्लीकेशन सजेस्ट किए सेफी प्लेस ने, तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो। वहाँ पर जाकर उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, सेफी प्लेस नाम है उसके चैनल का। सो थैंक यू सेफी फॉर दिस ऐप। तो आओ यार कंटिन्यू। तो सिंपली सबसे पहले तुम्हें अपने क्रोम पर जाके टाइप करना है रेजर कॉर्टेक्स। टाइप करोगे तो तुम्हें सबसे पहले दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तुम्हें सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब तुम इसको डाउनलोड कर लोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएंगे। जब तुम इसको इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें कहेगा कि तुम्हें रेजर सेंटेक्स डाउनलोड करना है या कॉर्टेक्स। तुम्हें सिंपली कॉर्टेक्स पर टिक करके इसको अपना अकाउंट फेसबुक या गूगल के अकाउंट से लगा लेना है। एंड देन जब सिंपली इसको लॉन्च करना है, बहुत ईजी है ये, इसको जब सिंपली लॉन्च कर दो। तो ये लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो तुम्हें घबराना नहीं है। सही है, सबसे पहले घबराना नहीं है। सही है, ये ओपन हो रहा है और इसको होने देना है। कहीं पे भी छेड़ा छेड़ी नहीं करनी अपनी तरफ से। जैसे ही ओपन हो जाए तुम्हें देख के घबराना नहीं है। वापस से कह रहा हूँ, ऊपर देखो गेम बूस्टर लिखा हुआ है, इसके साइड में लिखा हुआ है सिस्टम बूस्टर। तुम्हें सबसे पहले सिस्टम बूस्टर में जाना है और सिंपली तुम्हें स्कैन करना है। जो तुम्हारे पीसी में वायरस होगा, जितना भी जो तुम्हारे पीसी को स्लो कर रहा था, वो सब चीज़ें डिटेक्ट करेगा ये। और जैसे डिटेक्ट कर ले, तुम्हें सिंपली इसको ऑप्टिमाइज़ के बटन पर क्लिक करके सिंपली हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर देना है। फालतू चीज़ें भी हटा देगा और जिन चीज़ों की वजह से आपका पीसी जो था, जो फालतू चीज़ें थी जिनकी वजह से आपका पीसी रुकता था या लैग करता था, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऑप्टिमाइज्ड हो गया ही है। सिंपली ये सब होने के बाद आपने बैक आ जाना है और इसके बाद अब आपने जाना है गेम बूस्टर में। गेम बूस्टर में माय लाइब्रेरी के साइड में बूस्ट लिखा हुआ है। सही है, आप चाहो तो यहाँ से दूसरे गेम को भी बूस्ट कर सकते हो, लेकिन सिंपली अभी हमें ये नहीं करना है। सिंपली बूस्ट में जाना है और पबजी मोबाइल खेलने से पहले आपको नीचे देखो जिन 6 चीज़ों पर टिक हुआ है, एनेबल CPU कोर, यहाँ पे सब चीज़ों पर टिक हुआ है। और खास करके आपको क्लीन रैम पर टिक रहने देना है। सही, इन 6 चीज़ों को अपना टिक करके सिंपली गेम को प्ले करने से पहले आपने बूस्ट ना कर देना है। और ये बूस्ट ना हो जाएगा मतलब जितनी भी रैम वगैरह जो थी फालतू जो यूज़ हो रही थी दूसरी चीज़ों में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गेम को जाएगी। तो जब वो आपकी गेम को जाएगी तो आपकी गेम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और आपने ऑटो अपडेट्स को एनेबल कर सिंपली कट कर देना। जब आप इसको कट करोगे तो नीचे बैकग्राउंड में ये टास्क बार में चल रहा होगा। तो आप इसको यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो, मिनिमाइज कर दो, यहाँ से लॉन्च कर सकते हो और आप बैकग्राउंड में अपने गेम प्ले को जो है वो इन्जॉय कर सकते हो। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका गेम प्ले में 30-40% इजाफा होगा। अच्छी खासी आपकी गेमिंग आप इन्जॉय कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।